सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को, छोटे भाइयों को, सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी के बीच हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ बात है वही पहुंचाने के लिए यहाँ आए, और मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं ये आप लोगों पर मॉनिटरिंग करने नहीं आया हूँ कि आप लोग क्या करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, कहीं कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, विश्वास है कि नवादा जो जिला है, जिस प्रकार से यहाँ के जिला अध्यक्ष जी, यहाँ के पूर्व विधायक कौशल यादव जी लगातार सभी लोगों को संगठित करके पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहे हैं, पूर्व के कई कार्यक्रमों में नवादा अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभा चुका है, और मुझे विश्वास है क्योंकि रहने वाले तो हम गया के हैं, लेकिन फिर भी मुझको विश्वास है कि नवादा अव्वल जरूर आए, क्योंकि हम अभी कई प्रखंडों में घूम करके देख रहे थे, सभी लोग अपने साधन और अपने हिसाब किताब से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए, और ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं, जन नायक कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चली है, और उसके आप सभी लोग सदस्य रहे, और हम आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से अभी कई बातें निकल के आई है, और ये स्वाभाविक है, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जो हमारे प्रखंड के कार्यकर्ता कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, जिस प्रकार से अर्जुन जी और कई भी अन्य प्रखंडों में भी हम गए तो वहाँ कई बातें सामने आई है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई लगा करके बात कह दे रहे हैं या फिर ये अपनी व्यक्तिगत दुर्भावना को व्यक्त कर रही है, आम भावना को व्यक्त कर रहे हैं, मीटिंग में कह रहे हैं, इसलिए हम इनकी बात से सहमत हैं। लेकिन इन्हीं सब चीजों को सुधार के लिए कई कमेटियों में पार्टी के लोगों को स्थान दिया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि आप सरकार और संगठन के बीच में कड़ी बन के काम करिए, विसूत्री उसका उदाहरण है। ठीक है, ये हम मान रहे हैं कि जिला में विसूत्री का गठन कर लिया गया है, प्रखंडों में भी तो होना ये तय है ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा, जब पिछली बार हुआ था तो साथ साथ प्रखंड में और जिला में सभी जगह हो गया, इस बार थोड़ा विलम्ब हो रहा है क्योंकि देखिए कई पार्टियों का सामंजस्य है, सभी को ले करके चलना है, हम लोग एक प्रखंड में बैठक कर रहे हैं तो क्या सभी को संतुष्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, तो उसी प्रकार से कई दलों को मिला करके चल रहा है, उसमें सभी लोगों को ले करके चलना है, सभी को उसमें स्थान देना है, जो भी सरकारी कमेटी होती है उसमें संख्या जो है वो सीमित होता है और अपेक्षाएं जो है वो असीमित होती है, जितने प्रखंड कमेटी में लोग हैं, जितने पंचायत अध्यक्ष जी लोग हैं, क्या कोई चाहते होंगे किस कमेटी में हम नहीं रहे, सब लोग चाहते होंगे, लेकिन सीमित संख्या है, तो जो ब्लॉक स्तर का या फिर थाने स्तर का जो बात कहे हैं उसमें प्रखंड अध्यक्ष जी सक्षम है, और इनको और सक्षम बनाने के लिए पार्टी और आप सभी को सक्षम बनाने के लिए पार्टी काम कर रही है, थोड़ा विलम्ब हो रहा है क्योंकि कई पार्टियों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जब ये विसूत्री कमेटी का यहाँ चेयरमैन हो जाएंगे तो आप लोग ब्लॉक स्वतः आने जाने शुरू कर दीजिएगा, तो जो काम होगा वो करने करिएगा, काम पर भी असर पड़ेगा, काम पर भी असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस बैठक में हम जरूर आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि मैं आप सभी को आश्वस्त करने के लिए यहाँ आया हूँ कि जो भी आप लोगों की समस्या होगी, जो अधिकारी से संबंधित समस्या होगा, उसके लिए चंदन यादव खड़ा है, और हम गया के रहने वाले हैं, और इस दल में कोई साधारण समय से नहीं है, लगभग 20 साल से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ हम काम कर रहे हैं, और युवा के यहाँ प्रखंड अध्यक्ष जी को बुलाए इसलिए हम आगे, हम यूथ के प्रेसिडेंट रहे हैं 10 साल गया में, उससे पहले छात्र के रहे, और अब प्रदेश में काम करने का मौका मिल रहा है, पहले हम रोहतास में के प्रभारी थे, अभी नवादा का मिला है, तो हम काम करने में विश्वास रखते हैं, कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे समकक्ष और भी प्रभारी हैं यहाँ, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हम बस यहाँ जनता दल यू के जो भी साथी हैं, जो सक्षम हैं, फॉर्चुनर से चल रहे हैं वो भी, और जो पैदल चल रहे हैं वो भी, मैं सभी के लिए खड़ा हूँ, और मैं यहाँ महीना में 3-4 दिन रहता हूँ नवादा आकर के, आवश्यकता पड़ेगी तो और रहूंगा, और कौशल यादव जी हैं यहाँ जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, आप लोग एक सिस्टम से आगे बढ़िए, सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, पार्टी आप सभी के लिए खड़ी है, लेकिन होता क्या है ना कि कुछ चीजें जो है
वो आपको भी समझना होगा। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अभी एक साथी जो बता रहे थे तो हमने उनसे पूछ लिया तो वहीं पर ये हो गए। लेकिन जो जायज बातें होंगी, जो जन समस्या होगा, कार्यकर्ताओं की समस्या होगी, पंचायत स्तर पर होगा तो प्रखंड अध्यक्ष जी के पास आएगा। प्रखंड अध्यक्ष जी से अगर नहीं सोल्व हो पाएगा तो ये जिला अध्यक्ष जी को बोलेंगे। जिला अध्यक्ष जी से नहीं होगा तो हम लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं। लेकिन इस सिस्टम से ही संभव है। अगर आप मन में भाव लगा कर ये चलिएगा कि हमारा वो सुन नहीं रहा है और कहीं किसी को कुछ जानकारी नहीं दीजिएगा तो कोई भगवान तो है नहीं। और संगठित रहिए, हर कोई सुनेगा, सरकार आपकी और सुनेगा नहीं, कैसे नहीं सुनेगा। लेकिन संगठित होकर के और उसको एक सिस्टम वे से ही काम करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जन नायक कर्पूरी जी के, आज 100वां जन शताब्दी मनाने जा रही है पार्टी। इसके लिए हर स्तर पर हर जनता दलीय कार्यकर्ता काम कर रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, कोई कम कर रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से काम कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ नादरीगंज में बैठक कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित है हमारे प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार जी, अर्जुन यादव जी, कैलाश जी, प्रदीप यादव जी, यहाँ प्रवक्ता है नंदन मांझी जी, अति पिछड़ा युवा और सभी पंचायत अध्यक्ष जी। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि आप लोग काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ आप लोगों को जिला से जो गाड़ी मिल रही है वो 20 गाड़ियां आप लोगों को मिल रही है। प्रखंड अध्यक्ष जी ने सभी समन्वय स्थापित कर दिया है कि कौन गाड़ी कहाँ किनके बुक करना है। आप सभी बस निवेदन हम यही करना चाहते हैं कि अगर और किन्हीं को कोई साधन की आवश्यकता है तो बेझिझक होकर के बताइए। क्योंकि माननीय हम लोग को जो मुख्यमंत्री हैं वो हम लोगों के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इसको सफल बनाने के लिए एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के सभी लोगों की एक जिम्मेवारी बनी हुई है और हम लोग इसको सफल बनाएंगे तो हम लोग अपने नेता को मजबूत करेंगे। जब नेता मजबूत होंगे तो स्वाभाविक है कि हम लोग मजबूत होंगे। आज कह रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ करके ना कि वो समस्या है, वो समस्या है। अगर यहाँ से सब लोग हम लोग मजबूत होते, सदन के कई लोग यहाँ के सदस्य होते तो क्या हम लोग नहीं मजबूत होते? बिल्कुल होते। तो बहरहाल जो बीत गया सो बात गया, लेकिन आने वाला 2024 और 25 हम लोग एकदम सामने खड़ा है। 24 में तो हम लोग अभी यहाँ उपस्थित है, 25 भी आने वाला है। तो हम लोग यहाँ से आदरणीय नेता को मजबूत करने के लिए हम आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जिस मजबूती के साथ आप सभी ने यहाँ कहा है कि कहाँ कहाँ बस उपलब्ध हो, और आप लोगों ने मजबूती से कहा है कि हम लोग सभी, क्योंकि ठंडा का मौसम है स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग को एफर्ट भी उतना ही लगाना होगा और लगाएंगे तो जैसे पहले सफल होते रहे हैं आगे भी सफल होगा। और हम आप लोगों के बीच आश्वस्त कर रहे हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि मैं नवादा महीने में 3-4 दिन रहता हूँ, आवश्यकता पड़ेगा तो 15 दिन भी रहेंगे। कोई हमको इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, मेरे लिए बस आप ही लोग हैं और आप लोगों की सेवा करना ही मेरा काम है। इसलिए कोई हमने अपना नंबर भी आप लोगों को दिया है, मैं नवादा में रहता हूँ, अगर एक दो दिन आगे पीछे होगा तो संपर्क कर लीजिएगा और जो भी समस्या होगा वो अपने प्रखंड अध्यक्ष जी को, अपने जिला अध्यक्ष जी को उसको बताइए, हम लोग उसको निराकरण करने के लिए खड़े हैं। और हमको भी बताइए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जिस भी अधिकारी से मिलना पड़ेगा एक साधारण कार्यकर्ता के लिए भी, तो मैं जाऊंगा, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी जाएंगे, पूरी पार्टी जाएगी। आप लोग चिंता नहीं करिए, आप लोग हैं तभी सभी लोग हैं और तभी पार्टी है, और आप ही लोग के लिए हम यहाँ पहुँचे भी, नहीं तो किसको शौक लगा हुआ। तो हम लोग भी आए हैं आप ही लोग से रूबरू होने के लिए, आपकी भावना को जानने के लिए। 23 तारीख कल हम बात कर रहे थे नेताजी से तो वो आप लोगों के सुविधा के लिए वहाँ पटना गए हुए थे, तो 23 तारीख को ही यहाँ से निकलना है क्योंकि 24 तारीख को जो वहाँ कार्यक्रम है वो अहले सुबह है। तो इस ठंड के मौसम में उतना सुबह पहुंचना संभव नहीं होगा, लोगों को परेशानी भी हो सकती है। तो 23 तारीख को सब लोग जा रहे हैं, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की बात की है उसी प्रकार से वहां उपस्थित हो। आप सभी को बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी।